तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में हम यहाँ पर 100 मीटर के लिए स्टार्ट सीखेंगे। आपको अगर 100 मीटर अच्छे से करना है, अच्छे से टाइम निकालना है, तो हमें दोस्तों स्टार्ट भी करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अभी 100 मीटर का यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। तो आपको स्टार्ट कैसे लेना है, किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए ताकि आपका परफॉर्मेंस, आपका जो स्टार्ट है अच्छे से हो सके और आपका टाइम भी जल्दी कम होगा। तो किस तरह से आपको यहाँ पर स्टार्ट लेना है अभी हम देखते हैं। उसके साथ हमारे एकेडमी के लड़के भी इधर, वो भी स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट कैसे सीखे, किस तरह से स्टार्ट करना है, यही आज हम सीखेंगे। और दोस्तों अगर आप स्टार्ट अच्छे से करोगे तब भी बहुत स्टार्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फास्ट स्टार्ट लोगे तब आपका टाइमिंग जल्दी से कम होगा। मतलब जितना आपका टाइम जाता है इधर स्टार्ट स्लो लेने के बाद, वो नहीं जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको अगर स्टार्ट अच्छे से लेते हो तो आपका 50 से लेकर 60 माइक्रो सेकंड, 1 सेकंड तक आपका टाइम कमा सकता है अगर आप 20 मीटर में स्टार्ट अच्छे से लोगे। तो किस तरह से स्टार्ट लेना है अभी हम अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो स्टार्ट लाइन है, यहाँ से आपको क्या करना है, आपको जो 1 फुट है इस तरह से आपको लेना है। उसके बाद आपको ऐसे लैटरल आपको फुट लेना है इस तरह से, और यहाँ पर आपको लाइन लगानी है। फिर उसके बाद 1-2 फुट लेंगे, इस तरह से लैटरल इस तरह से आपको लाइन लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट पैर अगर आप आगे रखना चाहते हैं तो आप आगे रखें, नहीं तो अगर आपको राइट पैर आपको आगे रखकर आप अगर आपका स्टार्ट अच्छा ले सकते हैं तो आप आगे रखो। मैं यहाँ पर लेफ्ट पैर आगे रखूँगा इस तरह से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने लाइन रखे है, यहाँ पर मार्किंग किया है, वहाँ पर आपको लेफ्ट पैर को यहाँ पर आगे रखना है। फिर उसके बाद राइट फुट को इस तरह से आपको पीछे रखना है, और यहाँ पर दोनों पैर रखने के बाद इस तरह से आपको नीचे बैठना है। और आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, आपका जो पीछे आपको आपने जो पैर रखा है उसका घुटना आपको नीचे रखना है, और जो आगे का पैर है उसका आपको घुटना ऊपर रखना है, और ऐसे आपको ज़मीन पर ऐसे पैरेलल रखना है। और आपके जो दोनों हाथ है इस तरह से कंधे के नीचे इस तरह से आपको नीचे रखना है, इस तरह से आपके कंधे के नीचे इस तरह दोनों हाथ रखने चाहिए, और आपका जो आगे का पैर है इस तरह से आपको ज़मीन पर पैरेलल रखना है। और फिर इस तरह से आपको दोनों हाथ को रखकर इस तरह आपको सीट के ऊपर उठाना है, सीट को ऊपर उठाना है इस तरह से, और ऐसे आपको होल्ड रखना है। फिर उसके बाद सेट करने पर आपको ऐसे कर देना है। और दोस्तों आपको बॉडी, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, आपको बॉडी क्या करना है, आगे झुकाना है। अगर आप बॉडी आगे झुकाओगे तो आपको आपकी बॉडी अच्छे से आगे जाएगी। यहाँ पर देखो, अगर आप बॉडी ऐसे रखोगे तो आप आगे कैसे जाओगे, इसलिए आपको दोस्तों यहाँ पर बॉडी अप करके थोड़े आगे झुकाना है। और जो सेट करने के बाद आपकी बॉडी इस तरह से, और जहाँ पर क्लैप बजती है सेट होने के बाद, अभी मैं आपको स्टार्ट दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अभी मैं आपको स्टार्ट लेकर दिखा दूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टार्ट लेना, 100 मीटर का स्टार्ट इस तरह से आप लेना। और अगर आपको स्टार्ट अच्छा लेना है तो आप स्टार्ट की प्रैक्टिस करो। मतलब क्या करना है, आपको हफ्ते में एक बार आपको 20 मीटर तक, उसके बाद 10 मीटर तक स्टार्ट लेना है। 10 मीटर तक आप 4 बार स्टार्ट लो, उसके बाद 30 मीटर में 2 या 3 बार स्टार्ट लो, और उसका टाइमिंग निकालो। अगर आप टाइमिंग निकालोगे तब आपका स्टार्ट अच्छा होगा, और आपका 100 मीटर का टाइम भी अच्छा होने में मदद होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।